राजस्थान में राजनीतिक तूफान अभी थमा हुआ है, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह एक्टिव होकर पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उससे ऑल इज वेल का मैसेज दिया जा रहा है। क्या वास्तव में सब कुछ ऐसा ही है जैसा दिख रहा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की कमान समर्थित विधायकों ने संभाल रखी है, वहीं कुछ विधायकों ने आला कमान राग अलापना शुरू कर दिया है। इधर प्रदेश में नेताजी के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। गहलोत गुट जहां पायलट खेमे को लगातार 2020 की बगावत याद दिला रहा है, वहीं पायलट खेमा चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुढ़ा ने हाल में एक कार्यक्रम में पायलट की जमकर तारीफ की और कहा कि बीते दिनों जयपुर में हुआ घटनाक्रम पायलट के खिलाफ एक षड्यंत्र था। कभी गहलोत की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले गुढ़ा अब पायलट गुट की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। मंत्री ने उदयपुर वटी इलाके में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पिछले दिनों हुए घटनाक्रम को पायलट के खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए कहा कि अभिमन्यु की तरह पायलट से घेरा जा रहा है और उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। गुढ़ा ने आगे कहा कि पायलट की इमेज खराब करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ लोग काफी हद तक सफल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जो लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े थे, उन्हें पायलट साहब ने टिकट दिलवाया और जिताया, लेकिन उन्हीं लोगों ने पायलट के साथ धोखा किया। वहीं गुढ़ा ने कहा कि कुछ नेता पायलट के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह गलत है। उन्होंने पायलट की तारीफ करते हुए आगे कहा कि सचिन ने इतनी गालियां सुनने के बाद भी कभी संयम नहीं खोया। वहीं सचिन पायलट ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले पर पहुंचकर करीब सवा घंटे तक चर्चा की है। लंबे समय बाद पायलट खाचरियावास के सरकारी बंगले पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच सियासी मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। मुलाकात को लेकर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि मैं और पायलट विधानसभा में भी एक ही सोफा पर बैठते हैं। विधानसभा में जब बराबर बैठते हैं तो वहां भी बात होती रहती है। यह कहना गलत है कि हमारी आपस में चर्चा नहीं होती। अब पायलट घर आ गए तो इसमें नई बात नहीं है, विधानसभा में तो मिलते ही हैं, वहां भी बात होती रहती है। पायलट आएंगे तो बातें तो होगी ही, कोई भजन कीर्तन थोड़े ही करेंगे, सब बातें हुई है लेकिन वे बताने की नहीं है। पायलट से लंबी मुलाकात के बाद मंगलवार दोपहर खाचरियावास ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। दोनों मुलाकातों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खाचरियावास ने अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि दोनों नेताओं के बीच मौजूदा सियासी घटनाक्रम और सियासी बवाल अब भी चर्चा हुई है। ऐसे में इस मुलाकात को दोनों खेमे के बीच जारी कोल्ड वार के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।